तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है जो आपको देना बहुत जरूरी था। भगोड़ी के बारे में जिन लोगों का कहना कि भगोड़ी कब जाएगी, अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आपको अब ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगोड़ी के लिए बहुत बड़ा एक्शन ले लिया गया है। जो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और जो गुलाम हैदर भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान से भी लीगल एक्शन ले लिया जा चुका है। पाकिस्तान ने भी ठोस कदम उठा लिए, वहाँ के नेशनल टीवी, वहाँ के जो सरकार है उन्होंने भी कदम उठा लिया। अब बहुत जल्द ये भगोड़ी के जो घड़ा था पाप का वो फूटने ही वाला है। यहाँ पे बता दूं इसके जो भाई एपी सिंह यहाँ पे तरह तरीके से कानून को अभी तक धोखे में रखा था, बरगलाया हुआ था, तमाम चीजें वो कर रहे थे, अब वो तुरंत मुझे लगता है सोशल मीडिया से गायब हो जाएंगे और अपने बचाव के लिए अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। जिस तरीके से कि इनलीगल महिला को वो सपोर्ट कर रहे थे, लगातार एक महिला बॉर्डर से अंदर आ जाती है हमारे भारत के अंदर, उसके पास पांच पांच सिम बरामद होते हैं, उसके पास पांच पांच पासपोर्ट वीजा पासपोर्ट बरामद होते हैं और इनलीगल आती है, वो इनलीगल तरीके से यहाँ पे शादी कर लेती है, वो भी बिना वहां तलाक लिए हुए। चार बच्चे उसके ऑलरेडी साथ में हैं और पति से तलाक नहीं लिया है पाकिस्तान से। जैसे कि इसके भाई का कहना है कि वो एक पाकिस्तानी है, गुलाम हैदर यहाँ पे केस नहीं कर सकता है, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है, इनलीगल वो यहाँ पे आई हुई है, उसको अथॉरिटी किसने दी? हमारे देश में आकर एक महिला जो कि घुसपैठी है और इनलीगल तरीके से हमारे भारत देश में एंट्री करी हुई है, उस महिला को इतने सारे आंखों पे किसने बैठाला? यहाँ की मीडिया ने, यहाँ की मीडिया उसके दरवाजे पे जमघट लगा के खड़ी रहती थी, उसके एक झलक पाने के लिए, एक इंटरव्यू के लिए वो बिकाओ मीडिया वहां पे दिन भर धरना देती थी। सच दिखाने की हिम्मत नहीं थी ना उनको, अपने टीआरपी चाहिए था। हम छोटे जो समाज सेवी हैं और जब इस पर आवाज उठा रहे तो आप लोगों का जुबान कैची की तरह चलता है कि भाई व्यूज के लिए, फेमस होने के लिए कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी हमारा अपना फील्ड है, हम चाहें तो वहां से सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम इंसानियत के नाते आवाज उठा रहे हैं उन चार बच्चों के लिए जिन मासूमों की जिंदगी में अभी मुश्किलें आई हुई हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए यहाँ पे लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो आप लोग जब हमसे सवाल करते हो तो उस महिला के लिए सवाल क्यों नहीं भाई? ऐसा कौन सा अमृत पी के आ गई हो कि आपको अमर बना देगी? ऐसा क्या उस भगोड़ी में आपने देख लिया कि उसके लिए आप अपने देश की सुरक्षाओं को तक ध्यान में नहीं दे रहे? हम लगातार आवाज उठा रहे इसलिए क्योंकि एक गुलाम हैदर के साथ गलत हुआ है, एक मजबूर पिता को मजबूर किया गया है, इतना मजबूर किया गया है, उसका सब कुछ उजाड़ कर एक औरत यहाँ के बैठ गई हमारे देश में, उस इंसानियत के नाते इस पर आवाज उठा रहे हैं। और दूसरा, हमारे मुल्क के सवाल है, हमारे देश पर कोई हमारे आँच आए ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज उत्तराखंड से लेकर तमाम जितने भी हमारे स्टेट हैं सब इसके विरोध में खड़े हैं। सबके बहुत सारे कमेंट आते जो कहते हैं धरना प्रदर्शन करो, ये करो, वो करो। अगर इतनी पब्लिक भड़क गई पूरे देशों की तो क्या हाल इस महिला का होगा? और यहाँ पे बता दूं पाकिस्तान से भी एक्शन ले लिया गया जो कि शुरू में ही ले लिया जाना चाहिए था। अगर शुरू में ही ये चीजें हो गई होती ये यहाँ पे इतने कारनामे नहीं करती जितने ये खुलेआम कर चुकी है। लगातार इस पर आवाज उठा रहे और लगातार उठाएंगे क्योंकि अब जो जिन लोगों के सवाल थे कि दीदी कब जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था। हम यहाँ पे आवाज तो उठा रहे लेकिन हमारे हाथ में लीगल कुछ भी नहीं था। मोमन मलिक साहब जिस तरीके से लगे हुए हैं, 18 तारीख का वेट कीजिए और बहुत अच्छी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। अभी जब तक कानून ने इस पर आवाज नहीं उठी और चीजें ओपन नहीं हुई है, हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं रखना चाहते क्योंकि इस पर जो हमारा कानून काम कर रहा है और जो कर रहे हैं लोग मिलकर काम, मोमिन मलिक सर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे जो भाई बहन आवाज उठा रहे हैं गुलाम हैदर के इंसाफ के लिए, तो उन सभी को बधाई हो ऑलरेडी एडवांस में क्योंकि बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश होने वाला है। अभी अभी मैं देख रही थी बबीता रानी कुछ दिन पहले गिड़गिड़ा रही थी अपनी गलतियों के लिए कि हमसे जो गलती का हो गई, जो पब्लिक हमारे पीछे जाकर रहा वाका हो रहा। आज वो फिर इसकी गुलाम हैदर की बेटी के साथ फिर से लाइव में दिख रही है, फिर से वो कह रही कि सीमा मेरी बहू बहुत खुश है, फिर से बबीता। और ऑलरेडी आपको बता दूं तीन नाम सेफ थे, उसमें तीन नाम और आने थे एफआईआर में, जो कि ये एक बबीता रानी तो घेरे में है ही है, बहुत सारे लोग लपेटे आने वाले। बड़े शर्म की बात है ना कि हमारे देश के अंदर एक महिला चार बच्चों को लेके आ जाती है दूसरे मुल्क में, वो भी सारे नियम कानून तोड़कर, और हमारे देश के नागरिक और हमारे देश की वो मीडिया भी काऊ जो इन लोगों इस महिला को इतना ज्यादा सारा आंखों पर चढ़ा देती है, सोशल मीडिया पे इस तरीके से देवी बना देती है कि हमारे देश के नागरिकों का जो आत्मसम्मान है वो आहत हो रहा है।
अगर आज इस महिला को ऐसी छोड़ दिया गया ना, जिस तरीके से इन लोगों ने बरगलाया हमारे देश के कानून को और हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दिए, इन सब पर गाज गिरनी चाहिए, इन सब पर जांच होनी चाहिए। आखिर इनका ऐसा मकसद क्या था कि ऐसी महिला को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया गया। एपी सिंह जैसे लोग कहीं के नहीं रहते, ना घर के ना घाट के, और वो समय अब बहुत जल्द आने वाला है कि अब ये न घर के रहेंगे न घाट के, क्योंकि एपी सिंह ने जिस तरीके से कानून में रहकर काले कोट के सहारा लेके कानून के साथ खिलवाड़ किया है, बहुत ही शर्मनाक है। हम समाज से जुड़े लोग हैं, केवल समाज की और अपने देश की सुरक्षाओं का हमें ख्याल रहता है, उसके लिए हम किसी के मुंह से अपने देश की अपने कानून की बुराई नहीं सुन सकते। लेकिन ये बंदे ने क्या किया, इसने हमेशा उसको अपनी बहन, अपनी बहन का दर्जा दिया, तीज त्योहार मनाया। अरे एक इनलीगल महिला तुम्हारे देश में घुस के आ गई है, उसकी जांच करवाने के बजाय, उसको गंभीरता से लेने के बजाय, सोशल मीडिया पर चमकने के चक्कर में अपना फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए उस महिला को गलत एडवाइस देते हो और गलत तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इतनी खुली आजादी दे दी कि वो कुछ भी यहाँ मनमानी करती है। उसको परमिशन नहीं है, ऑलरेडी बेल में है वो महिला। उसके बाद वो सारी हदें पार करती है, वो सब कुछ करती है जो एक महिला को, जो बंदी होती ना, जो कानून की नजर में होती, उसे इजाजत नहीं होती। यह महिला हर दिन, हर रोज, हर दिन लोगों की भावनाओं से खेलती है और हर रोज हर दिन कानून को तोड़ती है। और ऐसी महिला के साथ साथ लप्पू का जो परिवार है, इसको सबको, पूरे परिवार को जेल होनी चाहिए और इससे जुड़े सब लोगों को जेल होनी चाहिए। आज मेरे इसमें बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि इसके ऊपर केस होना चाहिए। बिल्कुल करिए, मैं कहती हूँ आप केस करिए तो सही, करिए किसी न किसी आधार पर तो केस करिए। एक भगोड़ी के लिए जो हमारे देश में आकर हमारे बहन बेटियों पर केस करने की बात करती है, इसकी इतनी हिम्मत है? आप जैसे दो टके के लोग इस महिला को यहाँ पे जगह दिए हुए, आप जैसे लोगों की वजह से इस औरत की इतनी हिम्मत बढ़ी है। बस चले ना, इसका हाथ पकड़ के इसको मारते हुए बाहर बॉर्डर क्रॉस करके आए। लेकिन हमें भरोसा है आज भी अपने कानून पर, अपने देश पर, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से कानून भटक जाता है रास्ते से, अपना डिसीजन लेने में समय लगा देता है, लेकिन जब कानून के दायरे में चीजें जाती हैं तो तुरंत उस पर जांच होता है। जिन लोगों को गाली देनी है दो, क्योंकि अब आपके लिए बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। आप खून के आंसू रोने वाले हो और बुरी तरीके से सीमा हैदर केस में आप लपेटे में आने वाले हो। आज मैं मुबीन मलिक सर का मैंने एक अपडेट देखा जिसमें वो कह भी रहे थे कि गुलाम हैदर के सपोर्ट करने वालों को अगर कोई धमकी देता है, गाली देता है, कुछ भी गलत करता है, उन सबको कानून के दायरे में लिया जाएगा। कितने बेशरम टाइप के लोग हो आप, एक व्यक्ति जो एक असहाय पिता के लिए, एक मजबूर पिता के लिए आवाज उठा रहे हैं, यहाँ से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको तक नहीं छोड़े तुम। मोबिन मलिक सर जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना सर, सल्यूट है आपको, थैंक यू, क्योंकि आप जैसे वकील हमारे लिए गर्व की बात है कि आप हमारे देश में इतने अच्छे से काम कर रहे हो कि कोई भी असहाय मजबूर इंसान कानून से किसी का भरोसा नहीं उठेगा अगर आप जैसे लॉयर होंगे। एपी सिंह ने जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई है, आज बच्चे से लेकर बड़ा तक एपी सिंह की यहाँ पे बुराई कर रहा है। क्यों भाई, जब पढ़े लिखे थे, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, आपको सारी अथॉरिटी थी, क्यों उसका गलत उपयोग किया? निर्भया जैसे केस को इतना आगे बढ़ा दिया, तो सीमा हैदर केस को भी आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो, जो कि खोखला बुनियाद है। ये महिला कैसे एंट्री कर गई, इसका लक्ष्य क्या है, इसका मकसद क्या है, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को आज जानना बहुत जरूरी है। इस तरीके से एंट्री करी है और वो भी इनलीगल। चलिए गुलाम हैदर से तलाक और नहीं तलाक केस का पाकिस्तान का मामला है, लेकिन हिंदुस्तान में कई लोगों का इस पे ये कहना है कि उसके छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे माँ के पास ही रहते हैं। और मैं इस बात को मानती हूँ कि छोटे बच्चों को हमेशा कानून माँ के पास ही रखते हैं, क्योंकि माँ से अच्छी एक परवरिश कोई कर नहीं सकता है। लेकिन माँ जब इस तरीके की हो तो बच्चों का जीवन भी खतरे में रहता है, इसलिए इस चीज को देखते हुए, और माँ उसका बायोलॉजिकल फादर की जिंदा रहते हुए दूसरे इंसान के घर में रहती है, वो भी बिना शादी के और बिना तलाक के। लप्पू से उसकी शादी कोई लीगल नहीं है, दूसरी बात गुलाम हैदर से उसका तलाक नहीं हुआ है। इस पर कानून डिसाइड करेगा इसको कौन सी सजा, कौन सी धारा है, तो इसमें बहुत सारी लग गई। लेकिन खुशखबरी है आप सबके लिए, देखिए 9 महीने तक ये हवाओं में केस था, 1-2-3 महीने और रुक जाइए, 18 तारीख को बहुत अच्छी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, बहुत कुछ अच्छा होगा इसमें, क्योंकि अभी तक बुरा बुरा होते जा रहा था ना,
अब अच्छा अच्छा होगा। ऊपर से मैं अपनी सरकारों से, अपने कानून व्यवस्था से, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग भी इस केस से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस केस को गुमराह करने की कोशिश की, जिन्होंने गुलाम हैदर के बच्चों का मिसयूज किया, जिन्होंने सीमा हैदर को इतना ज्यादा पावर दे दिया कि वो हमारे देश में रहकर वो सारी चीजें करती है, तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करें। हमारे देश पे इस तरीके का जो हादसा हुआ है ना, इससे पब्लिक के दिलों में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए और बहुत सारे लोगों के अपने सरकारों पर सवाल खड़े हो गए, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा देश राम राज्य है, इतने सालों बाद जब हमारे देश में राम राज्य की स्थापना हुई है, उसके बाद ये महारानी यहाँ आके इस तरीके का संदेश दे रही है, जो हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक है। तो दोस्तों, बहुत दुखी होता है जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपका जिस तरीके की सोच है ना, बहुत शर्म आता है मुझे कि आपका सपोर्ट करने का मकसद क्या है। केवल इसका ठुमका देखना, इसका वो चीज आपको नजर आती है, आपको ये चीजें नजर नहीं आती कि अपने पति का घर कैसे बर्बाद करके आई है, कैसे पाकिस्तान में है, उसका प्रॉपर्टी बेच के उसके चार बच्चों को उठा के गलत तरीके से आई भाई भारत में, कोई बीजेपी नहीं आई। आप अनपढ़ बेवकूफ, जिन लोगों ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो आप क्या जानोगे कानून की बात। अगर कल के दिन इसका लक्ष्य कुछ ऐसा हुआ, हमारे देश में किसी को नुकसान इससे पहुंचा, तो उसकी भरपाई क्या आप करोगे? है अकल बुद्धि? केवल चंद पैसों के लिए अपनी मजूरी से, जो दिहाड़ी मजूरी से अपना घर चला रहे थे आप लोग, वहां से अच्छी कंडीशन में आ गए यूट्यूब के पैसों से अपने चैनल चलाने के लिए, इस महिला को हमारे देश में कुछ भी करने देंगे हम? बिल्कुल भी नहीं। आज हमारा देश बहुत आहत है, हम एक समाज सेवक हैं और हम समाज के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, तो इस पर हम लगातार आवाज उठाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, हमारे देश के जो व्यक्ति उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, उनके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। भगोड़े का तुरंत से तुरंत इसको जेल होनी चाहिए, जितनी सजा हमारे कानून यहाँ देगा, उसके बाद इसको डिपोर्ट किया जाए और गुलाम हैदर को तुरंत, उसके बच्चे डिपोर्ट होंगे और बहुत जल्द होंगे, क्योंकि भगोड़ी का अंत समय आ गया। इसका भाई जो एपी सिंह है, अब वो मुंह छुपाने लायक भी नहीं रहेगा, उस कहीं पब्लिक के हाथों ही ना पिट जाए। बहुत बुरी तरीके से वो शिकंजे में फंस चुका है, उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है। तो एपी सिंह जैसे लोगों से आपको सीखना चाहिए, वकालत करने के बाद अपने कानून के दायरों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हमेशा अपने देश के हित के लिए बोलती हूँ। एक दो टके की महिला आ जाती है हमारे देश में, हमारे धर्म का मजाक बनाती है और दूसरे धर्म से भी खिलवाड़ करती है, ये किसी धर्म की नहीं ये महिला हो सकती है। इंसान मायने रखता है, हिंदू मुस्लिम मायने नहीं रखता। हिंदू यहाँ भी रहते हैं, मुस्लिम यहाँ भी रहते हैं, लेकिन जितने भी मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं वो हमारे हिंदुस्तानी हैं, और जितने भी हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तानी हैं। देश के लिए यहाँ पे हम वो रखते हैं, धर्म का कोई हम मैटर नहीं है। जिस तरीके से महिला ने किया है, लगातार चीजों को गड़बड़ाने की कोशिश की, गलत चीज तरीके से लड़वाने की कोशिश की, तमाम चीजें की, वो फेल हो चुकी है, क्योंकि मोबिन मलिक सर जिस तरीके से काम कर रहे हैं और हमारी समाज सेवी संस्थाएं और हमारे जो भाई बहन हैं जो गुलाम हैदर के सपोर्ट में लगातार आवाज उठा रहे हैं, वो इस मामले को शांत होने ही नहीं देंगे। और जो लोग कहते हैं व्यूज के लिए, व्यूज के लिए, तो शर्म कर लो। इस दो टके की महिला को जिस तरीके से तुमने सर पर चढ़ा दिया है, तो इसका व्यूज नहीं दिखता है आपको? अगर कोई लोग सच के लिए आवाज उठाते, उसका आप व्यूज काउंट करते हो? जो महिला इस तरीके से घुसकर आ गई है और उसको कुछ कोई कहे तो आपको बिल्कुल तड़प हो जाती, क्यों भाई उसको बोला गया, वो यहां से नहीं, अब अपना दिल थाम के बैठी, क्योंकि आपकी जो भाग्य भी भगौड़ी है, कुछ दिनों में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, छोटी सी एक समाज सेविका हूँ, हमेशा समाज के हित की बात करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके जीवन की कोई ऐसी कहानी है, ऐसी प्रेरणा है जो आप समाज के बीच रखना चाहते हैं, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जरूर रखूंगी। थैंक यू सो मच, तहे दिल से।